नमस्कार अनस, मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट केमिस्ट्री से रिएक्शन इंटरमीडिएट का बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट का बेंजाइन पार्ट 7 लेके आई हूँ। इससे पहले तो मैं 6 पार्ट में सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो टुडे आई एक्सप्लेन फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट व्हाट आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट आर दोज कंपाउंड विच शोन द विच टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एज ए इंटरमीडिएट इन विच आई एम एक्सप्लेन द बेंजाइन। हम इसमें आज एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर बेंजाइन। सो क्वेश्चन उठता है कि बेंजाइन क्या होते हैं। बेंजाइन्स बेंजाइन्स और एराइन्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज डिराइव्ड फ्रॉम एन एरोमेटिक रिंग बाय रिमूव ऑफ टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स। एराइन्स आर यूजुअली बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ए स्ट्रेन ट्रिपल बॉन्ड, हाउएवर दे पजेस सम बाय रेडिकल कैरेक्टर एज वेल। The arynes nomenclature derives from the fact that the C6H4 can be represented as a alkynes. That means benzene एक टाइप के arynes हैं जो aromatic ring में properties हो करते हैं। कहाँ पर? दो ortho substituents पर। Arynes usually बहुत अच्छे describing substance होते हैं। It should be triple bond। इनमें कौन सा bond होता है? Triple bond होता है, जो कि bi radical character को show करता है। इसका general nomenclature C6H4 के basis पर होता है। The although systematically this species should be named as di dihydro aromatic compound that is 1,2 di dihydro benzene. Systematically हम अगर IUPAC naming के according देखेंगे तो उसका नाम क्या होता है? Di dihydro aromatic compound that is 1,2 dihydro benzene. ये आपकी position 1 मान के चलोगे, ये 2 मान के चलोगे, so that is 1,2 आपका दिख रहा है, this is the benzene. ये हमारी कौन सी रिंग है? Benzene रिंग है। इस बेंजीन रिंग में साइड से आपको बाहर से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड शो हो रहा है जिसे हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं? बेंजाइन, जो कि कौन सी पोजीशन है? 1 और 2 पोजीशन पर। सो इट्स नेम एज डाई डिहाइड्रोबेंजीन। बेंजाइन कैन बी रिप्रेजेंट एज ए सिंगल मॉलिक्यूल विद ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बेंजाइन जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन के इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। एंड ऑल्सो इट हैज ट्रिपल बॉन्ड बट इज नॉट ए नॉन नॉर्मल एल्काइन बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इनको हम एल्काइन्स मानेंगे। हम जानते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो हम उसे एल्काइन्स कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड कहते हैं। बट बेंजाइन एक्चुअल में स्ट्रेटिंग कंपाउंड नहीं होते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है बॉन्ड रिंग के बाहर दिख रहा है, बट इसकी प्रॉपर्टी बेंजाइन्स की तरह यानी कि एराइन्स की तरह नहीं होती है। ठीक, इन बेंजाइन आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड नॉर्मल एंड अदर पाई बॉन्ड इज एबनॉर्मल। बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड तो है, ट्रिपल बॉन्ड होने के साथ साथ आप जानते हो कि आपका ये जो बॉन्ड माना जाता है कौन सा बॉन्ड माना जाता है? पाई बॉन्ड। हमारा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। सो दिस पाई बॉन्ड इज द नॉर्मल पाई बॉन्ड, क्योंकि बेंजीन ये जस्ट लाइक ए बेंजीन है, आपका बेंजीन की तरह जैसे बेंजीन में एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड रिजनेस शो करता है यानी कि रोटेशन शो करता है। ये बॉन्ड कौन सा है? नॉर्मल पाई बॉन्ड। बट वन बॉन्ड इज आउटसाइड द बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, द पाई बॉन्ड इज एबनॉर्मल इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आउटसाइड द रिंग। आपका ये बाहर का एक बॉन्ड आपका बेंजाइन में प्रेजेंट है, यहाँ पर ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? एबनॉर्मल पाई बॉन्ड, जो कि हमारे दिख रहा है एबनॉर्मल पाई बॉन्ड, जिसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आउटसाइड द रिंग, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल पाई बॉन्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ पाई। ये आपका ये जो बॉन्ड है ये आपका बॉन्ड है, आपको पता है कि जो भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है इसमें यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp2। बेंजीन वगैरह रिंग में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp2। ये जो पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग कर रहा है ये sp2 और ये भी क्या है? sp2। तो ये sp2 और sp2 के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्डिंग शो कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल पाई बॉन्ड, इट कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। जिसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आपको नॉर्मल पाई बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको सिंपल नॉर्मल पाई बॉन्ड है, और जो रिंग के बाहर पाई बॉन्ड है ये sp2 हाइब्रिडेशन के बीच में है, तो मैंने साफ रिप्रेजेंट कर रखा है 2 sp2 और इट्स आउटसाइड द रिंग। ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में आउटसाइड जो बॉन्ड बन रहा है या रिंग के बाहर बंद बन रहा है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे आउटर पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजाइन। तो बेंजाइन की प्रॉपर्टी ये थी कि ये होते बेंजीन की तरह ही है, लेकिन इनमें एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होता है जो रिंग के बाहर पाया जाता है, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, और जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड के नाम से यानी कि एबनॉर्मल पाई बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ यू वी प्रिपेयर द बेंजाइन, बेंजाइन को हम किस तरह से बनाएंगे, बेंजाइन जो एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है हम उसको किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। बेंजाइन की प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी, अब देखते हैं कि बेंजाइन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलो बेंजीन।
हेलो बेंजीन, नाम से क्लियर हो रहा है हेलो एंड बेंजीन, यानी कि बेंजीन के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा। ये कंपलसरी नहीं है हम कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन लिखे, इसलिए हम जो भी हेलो बेंजीन लेंगे, हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो किससे रिप्रेजेंट करा है, बाय एक्स फ्रॉम हेलो बेंजीन। व्हेन हेलो बेंजीन आर रिएक्ट विद द सोडियमाइड इन लिक्विड अमोनिया देन इट गेट बेंजाइन। सोडियमाइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजाइन बनेगा। तो ये आपके हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन का मतलब हो गया बेंजीन नहीं और उसके साथ कोई हेलोजन एटम, दिस इज द बेंजीन नहीं और उसके साथ कोई भी हेलोजन एटम, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लेना चाहो लाइक दैट, जैसे हमने क्लोरीन लिखा और साथ में ये हमारा हो गया हेलोजन। ठीक, अब इस बेंजाइन को किस तरह सोडियमाइड के साथ ट्रीट करा है, NaNH2 के साथ हमने ट्रीट करा है। NH2 के साथ ट्रीट करने पर कैसे होता है, देखिए ये जो बॉन्ड ओपन करता है, इस बॉन्ड को ओपन करने का था, यहाँ पर आपको पता है हर पोजिशन में बेंजीन में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो यहाँ का हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ के ऊपर चले गया और उसने हाइड्रोजन बाहर निकल गया। जब ये हाइड्रोजन बाहर निकला तो हाइड्रोजन के बाहर निकलने से क्या हो गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइंड होकर NH2 के साथ कंबाइंड होकर बाहर निकल गया। क्या निकल गया, NH3 बाहर निकल गया और बचा क्या, इस Na के साथ क्या निकल गया, NaX बाहर निकल गया और बना प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजीन। तो क्या बना, कैसे बना देखा आपने, फिर से देखिए बताती हूं, एक्सप्लेन करती हूं आपको। जैसे ये आपका एच है, ये आपका बेंजीन रिंग का आपका ये एच है, आपका ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये आपका इसका क्या है एच है। इस एच ने NaH2 के साथ सोडियमाइड के साथ रिएक्शन करी तो ये एच इसके साथ बाहर निकल गया, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट हो गया तो बाहर क्या निकला, NH3। NH2 ये है, ऐसे बाहर निकल गया। अब ये बॉन्ड बाहर तो रहेगा नहीं, इस बॉन्ड इन बॉन्डों का मतलब क्या होता है आपको पहले से पता है, इन बॉन्ड का पता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड अंदर चले गया, ये बॉन्ड ऑलरेडी पहले से था, ये बॉन्ड बाहर आ गया तो ये क्या बना प्रोडक्ट, ये बेंजीन नहीं, और ये आपका बॉन्ड ऐसी था, ये ऐसी था, ये ऐसी था, एक बॉन्ड इधर हमने जो शिफ्ट करा ऊपर, बचा क्या Na बचा और ये Cl। ये Na, ये इस Na के पास अपना बॉन्ड तो है नहीं, तो ये Cl के साथ इस बॉन्ड को लेकर, किसके साथ, इस Cl के बॉन्ड को भी साथ में लेकर, इस Cl के बॉन्ड को भी, ये जो बॉन्ड है इस Cl के बॉन्ड को भी साथ में लेकर, तो इस Cl के बॉन्ड को जब उसने साथ लिया तो ये क्या बना, Na बॉन्ड Cl, क्या बन गया, यानी कि कहने का मतलब है NaCl बाहर एलिमिनेट हो गया, उस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बना जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहेंगे। ठीक, इसकी मैंने हल्की सी एक छोटी सी मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करी है कि किस तरह से हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू शो करेंगे, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, कुछ नहीं बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में आप देखिए सेम वही प्रोसीजर है, बॉन्ड ऊपर गया तो आपका बेंजाइन का आपका NaNH2 है, NaNH2 जब ब्रेक होगा तो किस पर ब्रेक होगा, NH2, ठीक है, NH2 माइनस यहाँ से बेंजाइन के साथ एच लेके, ये जो बेंजाइन का है एच लेके क्या हो गया, ये आपका बॉन्ड ऊपर चले गया, शिफ्ट हो गया और इसके साथ एच लेके आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक, एच लेके बाहर निकला तो क्या बन गया, NH2 के साथ बाहर लेके निकल गया तो बन गया क्या, NH3 न्यूट्रल हो गया, ये माइनस था और हाइड्रोजन पर प्लस हो गया, बाहर निकल गया। सेम टाइम उसी समय क्या है, ये Br है, ठीक है, Br आपका NH2 के साथ बचा क्या है, Na+। Na पर कैसे स्टार्ट होता है प्लस और Br पर कैसे स्टार्ट होगा माइनस, NaBr क्या हो गया, बाहर निकल गया। Br का मतलब होगा कोई भी हाइड्रोजन, आपका NaBr बाहर निकल गया और बना प्रोडक्ट बन गया बेंजीन। तो इस तरह से हम बेंजीन को प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक, सेकंड मेथड को अगर एक्सप्लेन करें, कोई दूसरा मेथड भी होता होगा बेंजीन बनाने के लिए, तो हमारा सेकंड मेथड क्या है, देखिए फ्रॉम ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन से बनाएंगे। कैसे, देखिए, व्हेन ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन इज ट्रीटेड विद लिथियम अमलगम और मैग्नीशियम देन इट गिव्स द बेंजीन, लिथियम और मैग्नीशियम के अमलगम के साथ। प्रश्न उठता है कि व्हाट आर अमलगम, लिथियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन जब मरकरी के साथ की जाती है, कोई भी एल्कली मेटल की रिएक्शन जब मरकरी के साथ की जाती है, यानी कि कहने जा सकता है LiHg, जैसे लिथियम के साथ Hg हो गया तो इसको हम अमलगम कह देंगे, मगर मैग्नीशियम के साथ Hg हो जाएगा तो उसको क्या कह देंगे, अमलगम। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम के अमलगम के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, लिथियम मैग्नीशियम के अमलगम के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर का Cl और ये वाला Cl Mg को साथ लेके बाहर निकल जाएगा, क्या निकल गया, MgCl2। अब जब Mg को लेके बाहर निकलेगा तो ध्यान से देखिएगा, जब MgCl हमने कहा है दोनों के Cl बाहर निकलेंगे तो हमारे पास दोनों के Cl बाहर निकलने के साथ ये एक बॉन्ड ये है Cl का और ये बॉन्ड Cl है, और क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम के अमलगम के साथ, जब लिथियम मैग्नीशियम के अमल के साथ निकला तो ये हमारा हो गया Mg और ये अपना बॉन्ड को लेके बाहर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये अपने बॉन्ड को लेके बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड को लेके बाहर निकला और ये वाला बिना बॉन्ड के बाहर निकलेगा, ये भी निकल गया Cl के साथ, ये बाहर निकल गया, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चले गया, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये बॉन्ड यहाँ से इसके साथ MgCl और ये Cl बाहर निकला बिना बॉन्ड के, तो ये बॉन्ड तो एज इट इज रहा ना, ये बॉन्ड एज इट इज रहा, इसलिए बॉन्ड ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो गया। जैसे ही बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट हुआ तो हमारा क्या आ गया,
ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, बेंजाइन का निर्माण करा फ्रॉम डाई हेलो बेंजीन से। तो ये हमारे कुछ मेथड थे जिसके थ्रू हम किसी बेंजाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं और बेंजाइन क्या होते हैं। तो हमारे कुछ इंटरमीडिएट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे वो थे हमारे इस पहले के 6 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी थी। ये आपका लास्ट आपका इंटरमीडिएट था बेंजाइन। तो आपके ये रिएक्शन इंटरमीडिएट की सीरीज आज कंप्लीट हुई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।